मेट्रो आज हमारी लाइफलाइन बन चुकी है, लेकिन कई बार मेट्रो में सफर करते वक्त हम अपना सामान भूल भी सकते हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ मेरे एक दोस्त के साथ। वो दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहा था, लेकिन उसका बैग मेट्रो में ही छूट गया। वो काफी परेशान था कि अब बैग वापस कैसे मिलेगा। मैंने उसे बताया कि कैसे वो दिल्ली मेट्रो में अपने बैग के लिए क्लेम कर सकता है। एक जरूरी काम की बात है, इसलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप दिल्ली मेट्रो में अपना सामान खो जाने पर उसे वापस पा सकते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में साल 2002 में दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई थी। वक्त के साथ साथ मेट्रो ने अपनी रफ्तार बदली, रास्ते बदले और फैलती गई। लेकिन कई बार आपका ये सफर आपको टेंशन भी देता है। जब आपका कोई सामान मेट्रो स्टेशन या मेट्रो ट्रेन में छूट जाता है या गायब हो जाता है। जानकारी के मुताबिक मेट्रो में हर महीने लगभग 600 आइटम खो जाते हैं। अब ऐसे खोए हुए आइटम्स को ढूंढने में मदद करने के लिए दिल्ली मेट्रो ने एक खोया पाया विभाग बनाया है। मतलब अगर आपका सामान खो जाता है तो आप खोया पाया विभाग से संपर्क कर सकते हैं और फिर ये विभाग आपको बताएगा कि कैसे आप अपना खोया हुआ सामान पा सकते हैं। खोया पाया विभाग में आप अपने खोए हुए सामान की शिकायत कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कुछ नियम हैं। आपको इन नियमों का भी पता होना चाहिए। आपको अपना सामान खोने के 48 घंटे के अंदर दिल्ली मेट्रो के खोया पाया विभाग में शिकायत दर्ज करानी होगी। अगर मेट्रो में आपका सामान खो गया है तो आप अपने नजदीकी मेट्रो स्टेशन पर जाकर कस्टमर केयर सेंटर पर सूचना दें। अगर आपके सामान को खोए हुए 48 घंटे से ज्यादा हो गया है तो आप कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर खोया पाया ऑफिस में जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म के नीचे आप खोया पाया विभाग में शिकायत कर सकते हैं। आप लॉस्ट एंड फाउंड ऑफिस में 011-2341-7910 पर भी कॉल करके अपनी शिकायत बता सकते हैं। इसके अलावा आप मोबाइल नंबर 8527405555 पर भी कॉल कर सकते हैं। ये ऑफिस सभी दिन सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुले रहते हैं। संडे और नेशनल हॉलीडे को ऑफिस बंद रहता है। अगर आप अपने खोए हुए सामान का दावा एक महीने के अंदर नहीं करते तो दिल्ली मेट्रो उनका निस्तारण कर सकता है। यानी दिल्ली मेट्रो उस सामान को लावारिस समझकर ठिकाने लगा सकता है। दिल्ली मेट्रो के अलावा रैपिड मेट्रो में सामान खोने पर भी आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। रैपिड मेट्रो में सामान खो जाने पर भी यही प्रोसेस लागू हो सकता है जो नॉर्मल मेट्रो में होता है, बस पता अलग होता है। रैपिड मेट्रो गुरुग्राम में चलती है। उसके लिए आपको गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, मोलसारी एवेन्यू रोड, DLF फेज 3, पिलर नंबर 146 के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी, या फिर आप 01242800028 पर कॉल करें और रैपिड मेट्रो अधिकारियों को बताएं कि आपका सामान कहां खो गया और उसकी जानकारी दें। आप दिल्ली मेट्रो की आधिकारिक वेबसाइट पर दोनों मेट्रो सिस्टम पर अपने खोए हुए सामान की सूचना पा सकते हैं। दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम है। दिल्ली मेट्रो का बनना साल 1998 में शुरू हुआ था। इसका पहला फेज 25 दिसंबर 2002 में खोला गया था। दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और बल्लभगढ़ तक है। इसमें करीब 10 रंग के कोर लाइंस और 250 से ज्यादा स्टेशन हैं। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन DMRC द्वारा संचालित है। साल 2019 में मेट्रो की सालाना राइडशिप 1.79 बिलियन थी। दिल्ली मेट्रो दिल्ली वालों की लाइफलाइन है, लेकिन सामान तो दिल्ली वालों का भी खो ही जाता है। इसलिए उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना सामान वापस हासिल करने के बारे में जरूरी जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। आप अगर दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं तो अपने सामान का ध्यान रखें, लेकिन अगर जाने अनजाने में सामान खो जाता है तो उसे वापस पाने के लिए इस प्रक्रिया का पालन करें। उम्मीद है इस वीडियो में आपको जरूर काम की बात मिली होगी। इस वीडियो में इतना ही।
इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक गुड बाय।